tantos medios. देखो दिस अमाउंट इज सफिशिएंट. ओके सर. ठीक है. ऐसे बेटा क्योंकि आप लोगों का कम ना पड़े इसको इसको डिस्टर्ब नहीं करना. मैं आपको कंसर्ट बता रहा हूँ. ये आप समझो सेटल डिस्टर्ब. ठीक है. ओके सर. अच्छा बोरिक एसिड थोड़ा बोलने में तंग करता है. ठीक है ना. बट हो जाएगा. ठीक है ना. इट टेक्स टाइम बट एनी वे यू कैन डू इट. ऐसे कोई ब्लॉक शॉट से ज़्यादा परेशानी हो तो ब्लॉक शॉट से निकालना. ये वाला पानी ये दोनों में डालेंगे. ठीक है. और उसके बाद ये जो इसको भी स्टेरलाइज पहले करना पड़ेगा. ठीक है. मतलब ये समझो जो भी आग अंदर जाएगा सब आपको स्टेरलाइज करके जाएगा. और ये जो पीसेस जो काट के मैंने आपको बताया जैसे सैंपल पे थोड़ा हेल्दी कुछ लोग आप लोगों ने प्रेस करके रखी हुई सर. नहीं होगा कोई बीमारी बाहर से ला सकते वो थोड़ा डिसीज हल्का खेल दो. उसको सबसे पहले क्या करेंगे कीप लाइक दिस. उसके अंदर आप थोड़ी देर ऐसे करेंगे. ठीक है. और वो उसको अब यहाँ पर फर्स्ट वर्षिंग नंबर सेकेंड. सेकेंड वर्षिंग के बाद आपको तंग आता है हर बारी जब भी करना होता है लेकिन जब भूल जाओगे तो कंटामिनेट. ठीक है ना. प्रिंसिपल इसका वही चक्कर. और ये जब तीन मॉर्चिंग हो जाती है उसके बाद आप सीधा आप मीडिया डाले हुए जो पेटो जिसके अंदर ठंडा हुआ पेटो वो लीफ लेके आप उसको इनोकुलेटिंग नीडल लेंगे. लेकिन उस इनोकुलेटिंग नीडल को पहले आप स्टेरलाइज करेंगे गर्म करेंगे अच्छी तरह रेड हो जाता है. ठीक है ना. रेड हार्ट हो जाता है. ठीक है ना. अब देखो है ना. यस सर. उसको ये लास्ट वाला में सीधा पहले वो लीफ को पूरा नहीं लेना वो पानी के अंदर ठंडा करना है इसको. ठीक है ना. जैसे ये ठंडा हो गया ना तब जाके आप उसको उठा के जो पेटी प्लेट के अंदर मीडिया है उसके ऊपर आपको बिना हल्का से खोले और उसके ऊपर डालना है. ठीक है. और अपने नाम लिख के इनक्यूबेटर में रखना. ये कब करेंगे ये तब करेंगे पहले मीडिया आएंगे आप उसको बाहर रखेंगे और अबाउट हाफ एन आवर और सो जब आपको लगेगा हाँ भाई ये पोर कर सकते तब आप उसके अंदर से पेट पेट लेंगे आप पोर करके उसको रखेंगे. कम से कम दो घंटा रखना पड़ेगा इसलिए क्योंकि एक तो मीडिया मेल्ट होने को दोबारा सॉलिडिफाई होने को टाइम लगता है और दूसरा क्या है इनिशियली रखो तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है. गर्म जब भी आपने देखा होगा किसी चीज़ में आया तो मॉइस्चर पकड़ होता है तो दो घंटा में थोड़ा ठीक हो जाता है. ठीक है ना. अगर फिर भी अगर आपको लगेगा आज नहीं कर सकते मीडिया पोर करके ये भी मैं आपको बता दूँगा अगर आज नहीं कर सकते पेटी प्लेट के अंदर मीडिया पोर करके आप उसको एज सच उस इंक्यूबेटर में रखो बिना इनोकुलेशन का भी आप इसमें रखो. रखने के बाद 24 घंटे के बाद कल आप आए थे कल आपको ये सीधा ये वाला प्रोसीजर करके इसी लीव को उस पर रख सकते मतलब यू हैव चॉइस. लेकिन कल आप करोगे हो सकता है कल ज़्यादा ऊपर का मॉइस्चर सारा खत्म हो जाएगा. ठीक है ना. दैट कैन बी बेटर वे क्योंकि जल्दीबाजी करोगे बहुत पानी उसके अंदर जम जाए तो आप इतना कर सकते हो आज. कल आप लोग आओगे तो कल कर सकते हो आप. बेटा करने का तो मैं ये चाहता हूँ कुछ लोग आज कर लो कुछ कल करना. कल जो करने वाला वो भी मीडिया का पेटे प्लेट के अंदर मीडिया पोर करके आप इंक्यूबेटर में ऐसा सच रखो बिना इनोकुलेशन तो कल ट्रांसफर कर दो. हाँ कल कर सकते हो. ठीक
ठीक है ना, दिस इज एब्सोल्युटली द नो हाउ, ठीक है ना। ये आपको मैं आपको बता दूँ, आज अगर करना आज देर से करोगे हो सकता है ऊपर का मुआवजा भी कम हो जाए, क्योंकि मैं नहीं रहूँगा बिल्कुल, मैं कम्यूटिव मिस्टेक, इसलिए मैं सोचता हूँ, ठीक है ना। अब समझ में आया क्या करना है। ये स्टेज तब आएगा जब आपको ऑलरेडी पेटल के अंदर मीडिया जब डालेंगे, मीडिया डालने के बाद ठंडा होगा दो घंटा, तब जाके ये डिशेज सैंपल इसके ऊपर डालेंगे। जब वंस यू कीप इट देयर, अपना नाम लिखेंगे और डेट डालेंगे सारा, ठीक है ना। और कौन सा क्रॉप है, अगर मान लो किसी ने भिंडी के ऊपर लिया या किसी ने बीन्स के ऊपर लिया, इट यू हैव टू मेंशन दी कॉस्ट जिसको ऊपर से हमने किया, ठीक है। थैंक यू। और जब आपको पहले काम करने के पहले मैंने आपको पहले बता दिया, ये वाला दो लाइन है, दो इसी का, ठीक है ना। यू विल इट लगाओ तो